हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइट ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम से रिलेटेड, जो कि एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल से रिलेटेड है। और इस थ्योरम के अंतर्गत हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इंटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक है, मतलब कि एक अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसका अगर एक कोई डायगोनल आप ले ले, क्योंकि पैरेललोग्राम में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, दो होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ किया BD, और ये जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को टू इक्वल ट्राइंगल या फिर कहें कि टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। मतलब वैसे टू ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है जिन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, इस चीज को प्रूफ करने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे, और आप ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल जो चैप्टर था उसमें आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसका इक्वल एरिया होगा। वेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे हैव इक्वल एरिया, ये चीज आप पढ़ चुके हैं। तो उसी चीज का हम लोग यूज करेंगे, और किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गिवन से। ठीक है, यहां पर हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है, हमारे पास गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच BD इज इट्स डायगोनल। ठीक है, BD क्या है, इसका डायगोनल है। देखिए, स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, बुक का कॉपी करने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है, तो यहां पर BD क्या है, एक डायगोनल है। हम लोगों को इसमें क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, तो देखिए गिवन के बाद हम लोग प्रूफ पे आते हैं। तो टू प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमें प्रूफ करना है वो चीज हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। एक चीज आप बताइए कि अगर ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है। मतलब AD इज इक्वल टू BC और CD या फिर DC इज इक्वल टू AB। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। अब देखिए, तो हम लोग आते हैं प्रूफ पे। ठीक है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो हम इसका ये लिख सकते हैं कि ये दोनों का एरिया भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम आते हैं कहां पर, सबसे पहले हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD, तो हो जाएगा यहां पर ट्राइंगल CDB। ठीक है, CDB, यहां पर BCD के जगह CDB ही मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, देखिए एक चीज यहां पर हमेशा फोकस करिएगा, मैं ये चेंज क्यों किया, तो जब भी कॉन्ग्रुएंसी आप प्रूफ कर रहे होते हैं तो वहां पर नेमिंग जो ट्राइंगल का आप मेंशन कर रहे हैं वो सही तरीके से करिए। जैसे कि AB किसके इक्वल है, तो ABCD के इक्वल है। BD किसके इक्वल है, ठीक है, BD किसके इक्वल है, तो DB के इक्वल है। ठीक है, और DA किसके इक्वल है, तो ऐसे करके मतलब नेमिंग आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। किसी भी साइड को पहले अगर आप यहां मेंशन कर रहे हैं तो उसको आप उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा। आप एक बार कॉन्ग्रुएंसी वाला जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो आप एक बार देख लीजिए, वहां पर क्लियर हो जाएगा कि नेमिंग में यहां पर क्या, कॉन्ग्रुएंसी वाले कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज आप किसी अदर जगह पे आप किसी भी ट्राइंगल का नेमिंग कर रहे हैं, जैसे ABC हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है तो उसको ABC भी लिख सकते हैं, BAC भी लिख सकते हैं, CBA भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो वहां पर नेमिंग करने वक्त आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो हमारा जो AB था वो किसके इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, यहां कारण आपको लिखना है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का। दूसरा क्या है, AB तो हम CD के इक्वल कर दिए, AD के बारे में अगर लिखें, AD इज इक्वल टू CB, AD जो है वो CB के इक्वल है, ये भी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। तीसरा हमारे पास क्या है, BD इज इक्वल टू DB, ये क्या है, कॉमन है।
ठीक है, ये दोनों में क्या है कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्या रहा, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ठीक है, यहां पर एस 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 क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं या कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन हो गया। ठीक है, अब देखिए तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं देयरफोर। ठीक है, देयरफोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी बी। ठीक है, और यहां पर अगर स्टेटमेंट आपको लिखने का मन करे तो आप मेंशन कर दीजिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल इन, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल इन एरिया, इक्वल इन एरिया। देखिए कोई भी अगर फिगर कॉन्ग्रुएंट है ना तो वो दोनों फिगर का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है कि अगर दो ट्राइंगल, देखिए अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये श्योर है। लेकिन अगर दो ट्राइंगल वैसा ट्राइंगल है जिन दोनों का एरिया इक्वल है तो ये श्योर नहीं है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको फोकस करने की आवश्यकता है, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।